नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम स्वप्निल शुक्ला और इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताने वाला हूं जो कि अभी आ रही है। श्री मोदी जी ने और हमारी गवर्नमेंट ने और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मिल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया हुआ है। जैसे कि पहले बहुत दिन से कहा जा रहा था उनके द्वारा कि आप जो भी काला धन रखे हुए हैं, अगर आपके पास है अभी, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अगर आप रखे हुए हैं तो आप जाके उसको अभी चेंज कर लीजिए, उसको जो भी उसके ऊपर पेनाल्टी पड़ती है वो भर दीजिए, और अगर नहीं भरेंगे तो आपको कुछ कड़े कदम आपके ऊपर उठाए जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। और लीजिए, जल्द ही अभी तुरंत ही एक कड़ा कदम उठा लिया गया है, वो भी अचानक से न्यूज़ आया एक सरप्राइज़ की तरह कि 500 और 1000 की नोट आज रात 12 बजे से, हो सकता है मेरे वीडियो अपलोड करने के बाद ही या थोड़ा देर पहले ही, बंद हो जाएगी। उसके बदले आपको 2000 की नोट मिलने वाली है, मार्केट में आने वाली है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू। और आप अगर ये नोट को चेंज करना चाहते हैं अब, तो फिर आप 11 तारीख मतलब आज 9 ग्यारह 2016 को बैंक बंद रहेगी, और 10/2016 तक मतलब या 9 और 10 को दोनों दिन भी एटीएम बंद रहेंगे। तो आप जाके 11 से अपने नोट को चेंज करवा सकते हैं। आप हो सकता है उसके बदले 100 ले सकते हैं, 50 ले सकते हैं, या फिर 2000 भी ले सकते हैं, और या तो फिर आप उसको अपने अकाउंट में जमा कर देंगे तो अपने आप ही वाइट मनी जो आपका है वो वाइट मनी ही हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप ही, तो कोई टेंशन नहीं होगा। लेकिन जो ब्लैक मनी है उनके ऊपर, अब अगर वो अपना पैसा अपने पास ही रखते तो उनको ये प्रॉब्लम होगा कि हो सकता है कि वो पैसा ही कूड़ा ही हो जाए। और अगर वो चाहते कि कूड़ा ना हो, तो अगर वो बैंक के पास जाएंगे तो बैंक उनसे प्रूफ मांगेगी, पूछेगी कि आप ये पैसे लाए कहाँ से हैं, तो अगर वो बताएंगे नहीं, उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, ब्लैक मनी है, तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी से कड़ी पेनल्टी पड़ेगी, ये तो फिक्स है। कम से कम 30-40% 50% 60% भी ले लो, उनके हाथ में कुछ नहीं है। और ये बहुत ही अच्छी बात है, हो सकता है कि इसमें बहुत ही ड्रास्टिक इकोनॉमी में चेंज आए, क्योंकि टैक्स ज़्यादा मिलेगा तो इंडियन करेंसी जो रुपीज़ है, रुपया, उसमें हो सकता है कि बढ़ोतरी आ जाए। और एक टाइम की बात है कि अभी अगर देखा जाए तो जो भी ब्लैक मनी होता है, टोटल 60% ब्लैक मनी में से 20% जो भी ब्लैक मनी होता है उसमें से सिर्फ 20% फॉरेन जाता है, बाकी सब ब्लैक मनी इंडिया में ही रहता है। हो सकता है उससे इंडिया में कुछ लोगों को रोज़गार मिलता हो, लेकिन रोज़गार पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, लेकिन वो जो भी ब्लैक मनी है सब वाइट मनी हो जाएगा और इंडियन गवर्नमेंट के पास आ जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, और हमें ही फ़ायदा होगा। और हो सकता है कि रुपए का दाम 50 रुपए हो जाए, एक डॉलर का दाम रुपए के हिसाब से अगर देखा जाए तो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और ये बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आपके पास है अभी 500 या 1000 की नोट या कहीं भी है, तो आप जाके जल्दी से जल्दी 11 तारीख के बाद से चेंज करवा सकते हैं, मतलब 11 तारीख से ही चालू हो रहा है, अपना आईडी प्रूफ दिखा के। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और जैसे ही कोई और भी न्यूज़ आएगी इसके बारे में तो मैं और एक नया वीडियो बना लूँगा, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी पता चले जो इस न्यूज़ को मिस कर चुके हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।